हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है सब लोगों के। होप तो बहुत ज्यादा अच्छे में हो। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, बड़ा ही उम्दा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक से रिलेटेड लेक्चर्स देख लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चैप्टर चालू किया था जो प्रोक्योरमेंट से डील करता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड छोटी छोटी बातें समझी थी, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था। आज की क्लास भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहने वाली है, लेकिन दोस्तों लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, और वो कॉन्सेप्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है। याद करो क्या है, वो था दोस्तों इंटरेस्ट का लफड़ा। याद करो, इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है वो पीएनएल में आता है। पीएनएल में आने से मेरा नेट प्रॉफिट बताओ क्या हो जाता है? सर, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो हमें टैक्स का फायदा हो जाता है। तो इसका मतलब टैक्स के फायदे को अपन लोग बताओ क्या बोलते हैं? अपन लोग बोलते हैं कि टैक्स जाएगा, खुशियां आएगी। यहां तक मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बोला था पीएनएल में जो भी चीज आती है वो हमारा पेमेंट होता है, और जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है वो हमारा बताओ क्या होता है? सर, वो आपका अप्रोप्रिएशन होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आ जाओ मेरे साथ, अच्छे से डील करते हैं और लॉजिक के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अपनी लास्ट क्लास की रिवीजन है। दोस्तों, पहले मेरे को बताओ केडी कब आता है? सर, डिबेंचर्स होता है तब। उसके बाद बताओ इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के बदले में इंटरेस्ट। सर, इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? पेमेंट। अगर पेमेंट है तो ये हमारा पीएनएल में आता है, और अगर पीएनएल में आएगा तो क्या हमें टैक्स का फायदा होगा? सर, होगा। और टैक्स का फायदा होगा तो हम लोगों को केटी आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज है। अब आती है केटी। केटी का मतलब लोन। लोन के बदले में क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जाता है तो बताओ पेमेंट। पेमेंट के बाद बताओ पीएनएल का खर्चा। पीएनएल का खर्चा आएगा तो खुशियां आएगी, और उसके बाद आफ्टर टैक्स। होप सो मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद के सर, सर हम बताएंगे इक्विटी। इक्विटी के बदले में क्या जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड बताओ क्या होता है? सर, एप्रोप्रिएशन। और अगर आपका एप्रोप्रिएशन होता है तो बताओ कहाँ आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा तो बताओ क्या होगा? क्या खुशियां आएगी? सर, नहीं आएगी। ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, वी नीड नॉट टू कंसिडर बताओ टैक्स बेनिफिट, राइट। उसके बाद आता है केपी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। क्लियर सर? सर एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ, जैसा सॉरी, अब एक बात बताओ, अपन लोग अब आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको पता है हम लोग आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आखिर क्या है, किस तरीके से है। आओ दोस्तों, हम डील करते हैं। मैंने यहां पे इतना सा लिखा है, देखो ध्यान से सुनो, बस दैट्स इट। मेरी बात अच्छे से सुनो दोस्तों, आपको पता है यहां पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान रखो, खतरा है। इसका मतलब क्या है कि कई बार, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आपको WACC कैलकुलेट करना है। आपने बोला था सर कोई दिक्कत नहीं है। WACC कैलकुलेट करते हैं तो बताओ पहले आप क्या लिखते हो? सर, हम सोर्स लिखते हैं। सोर्स के बाद बताओ आपका क्या आता है? सर, हमारा अमाउंट आता है। अमाउंट के बाद बताओ क्या आता है? सर, हम अमाउंट के बेसिस पे वेट कैलकुलेट करते हैं, राइट। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। वेट कैलकुलेट करने के बाद बताओ क्या आता है? सर, हमें कॉस्ट दे रखी होती है, और कॉस्ट को डब्ल्यू और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, और इसका टोटल कर देते हैं तो हमारा WACC आ जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लासों में बता रखा है, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, हमें अमाउंट इसीलिए दे रखी होती है क्योंकि हम अमाउंट के बेसिस पे वेट निकाल सकते हैं। एग्री कर रहे हो? अब अगर हमें वेट डायरेक्टली दे दे तो क्या हमें अमाउंट की जरूरत पड़ेगी क्या? ना बाबा ना, क्योंकि अमाउंट देने का पर्पज ही ये होता है कि यू कैन कैलकुलेट वेट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, राइट। लेकिन एक बात बताओ, अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कई बार एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है, मेरी बात सुनना,
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ध्यान से सुनो मेरी बात, डेट इक्विटी रेशियो बताओ क्या है? सर डेट इक्विटी रेशियो है 2:1, एग्री राइट। लेकिन बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक बच्चा बताओ कौन होता है? सर एक बच्चा होता है नालायक बच्चा, और एक होता है दोस्तों समझदार बच्चा। दोनों में क्या फर्क है? समझदार समझदार समझदार, ये लो। दूसरा जो बच्चा होता है वो होता है समझदार बच्चा। बताओ दोनों में क्या फर्क होता है दोस्तों? नालायक बच्चा पता है क्या करके आता है? नालायक बच्चा सबसे पहले लिखेगा सोर्स, सोर्स के बाद लिखेगा अमाउंट, अमाउंट के बाद लिखेगा वेट। अब जब ये सवाल करेगा बच्चा तो वो बोलेगा कि सर ने हमें ये बता रखा है, सर ने हमें क्या बता रखा है? सर ने हमें बताया कि भाई साहब कभी भी ध्यान रखो, जब भी अमाउंट आ जाती है तो अमाउंट के बेसिस पे वेट निकालना होता है, लेकिन अगर हमें वेट डायरेक्टली दे रखा होता है तो हमें अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा जल्दीबाजी में इस रेशियो को क्या समझ के बैठ जाता है? वो इसे समझ जाता है वेट, राइट। मतलब ये बच्चा वेट में लिख देता है 2:1, मतलब हमारा डेट से इतना पैसा आया और हमारा इक्विटी से इतना पैसा आया, वो अमाउंट की जगह पे वेट लिख देता है, और उसका सवाल क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है, क्योंकि वो तो गलत करके ऑलरेडी बैठा है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वेट का ये जो रेशियो है ना, रेशियो क्या होता है लॉजिक समझो। एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोल दूं कि मेरी कंपनी का डेट इक्विटी, डेट है मेरा 2 लाख रुपए और इक्विटी मेरा बताओ कितना है? 1 लाख रुपया। तो क्या इसके इसको शॉर्टकट तरीके से नहीं लिख सकता? आपने बोला सर क्यों नहीं लिख सकते? मैंने बोला 5 जीरो से 5 जीरो हटा दो, इसका रेशियो बताओ क्या आ गया? 2:1 आ गया। तो ये 2:1 क्या है? ये अमाउंट का ही रेशियो है, ये वेट नहीं है। दोस्तों बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि डेट इक्विटी ये क्या है? सामने वाले ने आपको क्या वेट दिया है क्या? सर नहीं। तो इसका मतलब ये अमाउंट का ही छोटा रूप है, तो आपको 2:1 यहां पे लिखना चाहिए था, ना कि आप यहां पे लिखोगे। एक समझदार बच्चा बोलेगा कि रेशियो का मतलब है ये वेट का नहीं है, ये अमाउंट का रेशियो है, इसीलिए वी विल कंसीडर अमाउंट, राइट। सर सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने क्या बताया? मैंने आपको दोस्तों यहां पे क्या बताया, ध्यान से सुनना लॉजिक के साथ। देखो यहां पे मैंने क्या बोला कि भाई साहब नालायक बच्चा क्या करता है? नालायक बच्चा आपका क्या करता है समझना, नालायक बच्चा बोलता है कि डेट इक्विटी रेशियो हमारा है 2:1, इंटरेस्ट रेट है 10%। अब एक बात बताओ, केडी जो है, केडी जब भी आता है तो बताओ आफ्टर टैक्स कंसीडर करते हो या बिफोर? सर आफ्टर टैक्स। जब आफ्टर टैक्स होता है तो बताओ क्या होता है? 10 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का मतलब टैक्स की रेट कितना? 40%। तो यहां पे दोस्तों कितना आ गया? 6% आपका रेट आ जाती है। एग्री कर रहे हो? सर 100% एग्री कर रहे हैं। तो एक तो नालायक बच्चे 10% करके आ जाते हैं और अपन को 6% करना है, इसको भी कंसिडर करो। दूसरी बात अगर हम बात करें कि सर एक बात बताओ, 6% तो देखो नालायक बच्चे ने यहाँ पे कितना किया? 10। तो इसका मतलब एक तो इसने ये गलती कर दी, गलती की या नहीं की? सर गलती कर दी। ओके, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इस बच्चे ने यहाँ पे देखो कॉस्ट की जगह आपको यहाँ पे वेट लिखना है, और वेट की जगह आपको लिखनी है कॉस्ट। ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, बच्चे ने वेट की जगह 2:1 लिख दिया और अमाउंट की जगह कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब एक बात बताओ, क्या इस बच्चे को इंस्टीट्यूट माफ करेगी? इंस्टीट्यूट बोलेगी कि भाई साहब 6 महीने बाद वापस आ, तू अभी प्रिपेयर नहीं है सीएस बनने के लिए, आई हेट यू, तो 6 महीने बाद वापस आ, अच्छे से पढ़ाई कर, उसके बाद वापस आना और अच्छे से अटेम्प्ट करना, राइट। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, एक समझदार बच्चा क्या करता है? सर समझदार बच्चा देखो ऐसी ऐसी बातें करता है, सुनो पहले तो इसको मिटाते हैं रे, चुनो। समझदार बच्चा बताओ क्या करता है? सुनना मेरी बात, समझदार बच्चा बोलता है देखो सही सॉल्यूशन क्या है। सही सॉल्यूशन है
कि भाई साहब आपका अमाउंट बताओ कितना है, 2:1। तो टोटल मिला के बताओ दोस्तों कितना हो गया। सर टोटल मिला के अगर हम बात करें, टोटल मिला के बताओ बात करें तो बताओ क्या आ गया, 2 और 1, बताओ टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। अब वेट जब निकालेंगे तो बताओ अमाउंट के बेसिस पे वेट निकालते हैं, तो 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 को 3 से डिवाइड किया और 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को बताओ कॉस्ट कितनी आई। सर कॉस्ट आ गई 6 और आपका आ गया 12%। तो बताओ 6 कैसे आया, R1 - T करके आया और 12 का 12 आ गया जो कि हमें KE दे रखा था। राइट एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। टोटल मिला के आपकी रेट बताओ कितनी हो जाती है दोस्तों, 8% हो जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सर हमें एक चीज समझ में आ गई, अमाउंट का ही छोटा रूप रेशियो होता है, और अगर हमें रेशियो दे रखा है तो उसको हम कभी भी जिंदगी में वेट नहीं माने, वेट नहीं मानेंगे। एग्री कर रहे हो सर? 100%। अगला सर, सर हमें थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाओ। सर सर एक एग्जांपल और दो ताकि हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके और एग्जाम में एमसीक्यू के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आपके सामने है, मान लो डेट इक्विटी रेशियो आपका आ जाता है 0.5। अगेन आई रिपीट, मान लो डेट इक्विटी रेशियो कितना आ जाता है सर, मान लो हमारी जिंदगी में आया डेट इक्विटी रेशियो, ध्यान से सुनो, डेट इक्विटी रेशियो मान लो अभी तो क्या था, 2:1 था, मान लो इसकी जगह मैं लिख दूं 0.5। अब देखना दो बच्चे होते हैं, अब एक बच्चा नाचने लग जाता है, खाली 0.5 लिखा है। तो मैंने यहां पे दो कैटेगरी बनाई है, एक होता है नालायक बच्चा और एक होता है दोस्तों समझदार बच्चा। क्या बात है सर, नालायक बच्चा क्या बोलता है, सर हम वेट लिखेंगे, सॉरी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सोर्स, सर हम लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट के बाद बताओ क्या आएगा, सर हम लिखेंगे वेट, वेट के बाद कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद W into K कर देते हैं। यहां पे सी लिखो या के लिखो एक ही बात है। अब एक बात बताओ सोर्स में वो बच्चा क्या लिखेगा, बच्चा लिखेगा डेट, बाद में बच्चा लिखेगा इक्विटी। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैटर करता है अमाउंट जब लिखेगा तो बच्चा बोलेगा नहीं, सर ने बोला है कि जब भी रेशियो दे रखा होता है तो वो अमाउंट का छोटा रूप होता है। एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.5 तो डेट में लिख दिया, अब बच्चा बोलता है यार इक्विटी क्या लिखूं, इक्विटी तो मुझे पता ही नहीं है। तो वो बच्चा यहाँ पे 0.5 ही लिख देता है, यहाँ पे अगेन उसका सवाल गलत हो जाता है। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपको सवाल में 0.5 दे रखा है तो हमेशा बच्चों ध्यान रखो 0.5 के एवज में हमेशा 1 के एवज में आता है। अगर आपको रेशियो में खाली एक डेटा दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा, तो वो हमेशा 1 माना जाता है। इसका मतलब एक समझदार बच्चा बताओ क्या करके आएगा, डेट और इक्विटी। मेरे को बताओ वो समझदार बच्चा क्या बोलेगा कि सर डेट है 0.5, इक्विटी है 1, तो टोटल हो गया 1.5। मेरे को बताओ क्या लॉजिक समझ में आया या नहीं आया। अगर आप इस तरीके से समझोगे तब आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, और आपको पता है हमारा जो सीएस है वो सीएस बोलता है एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाओ, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लो ताकि हम अच्छे से चीजों को समझ पाए, राइट। चलो जी सर, यही बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला है, देख लो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 0.5 आ जाता है तो बताओ 0.5 और 1 आ गया। अब 0.5 डिवाइड 1.5, 1 डिवाइड 1.5, राइट, तो 1/3 आ गया और 2/3 आ गया। इतना तो आपको कैलकुलेशन करना आता है, राइट। अब एक समझदार बच्चा तो ऐसा करता है, और नालायक बच्चे, देखो मेरा टारगेट आगे कैलकुलेट करवाना नहीं है, आगे तो W को K से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से समझदार बच्चा क्या करता है, नालायक बच्चा क्या करता है, मैंने दो कैटेगरी बना दी ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ही ना हो। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नालायक बच्चे जब आ जाते हैं तो वो 0.5 यहां लिखते हैं, 0.5 यहां लिखते हैं, और वेट भी 0.5 और 0.5 कर देते हैं। दोस्तों ऐसी गलती जिंदगी में हमें नहीं करनी है, क्लियर है? ओके सर, 100% हमारा क्लियर हो गया।
एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं और समझने की कोशिश करना, क्या आप एक एग्जाम्पल और जो दे रहा हूं वो कर सकते हो या नहीं कर सकते। मान लो दोस्तों, मान लो इस बार आपके सामने डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी। अब मेरे से कोई ये पूछेगा कि सर डेट इक्विटी क्या होता है? अरे भाई, स्टार्टिंग में यही तो आपको बिल्डअप किया था। डेट का मतलब होता है बाहर वाला और इक्विटी का मतलब होता है घर वाला। बाहर वालों को जब पैसा देते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब इक्विटी वालों को पैसा देते हैं तो डिविडेंड के रूप में हम लोग उसे पे करते हैं, राइट? अब एक बात बताओ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया और एग्जाम में आपको बोल दिया 2.5 आपका डेट इक्विटी रेशियो है, और अभी मैंने क्या बताया था, अगर 2:2.5 है और अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 के एवज में होता है, तो एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, डेट में 2.5 लिखेगा, इक्विटी में 1 लिखेगा, टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, और बाकी जैसा नॉर्मल क्वेश्चन वो बच्चा करता है वैसे ही करेगा। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? सर एग्री, यहां पे मैंने यही बातें बोली है। मैंने बोला मान लो आपका डेट इक्विटी रेशियो 2.5 है और अगर कुछ नहीं दे रखा तो वो 1 के एवज में आता है, और यहां पे सोर्स आ गया, अमाउंट आ गया, वेट आ गया, कॉस्ट आ गया, डब्ल्यू को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू इंटू के आ जाएगा, राइट? एवरीबॉडी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? एग्री। आओ भाई दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात आती है सर, एक बात बताओ कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो दोस्तों, आपको पता है अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हम पहले तो चीजों को समझेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐसे बिल्डअप करके छोड़ूंगा ना, आप बोलोगे सर अब तो एमसीक्यू कहीं से भी आ जाए कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैंने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट के बारे में समझाया। मैंने बोला दोस्तों बताने को तो अपन डायरेक्टली बोल सकते थे, लेकिन वो कहानी समझ में नहीं आती, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो हम लोगों ने पी एंड एल भी देखा, फिर हम लोगों ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को भी देखा, लॉजिक के साथ चीजें समझी, और फिर हम लोगों ने फाइनली आंसर ये निकाला कि भाई साहब टैक्स बेनिफिट का क्या खेल है। अब क्वेश्चन क्या आता है, टैक्स बेनिफिट को समझ लिया था, फिर डेट इक्विटी रेशियो का मतलब समझ लिया था। अब बात आती है सर इसका कंक्लूजन निकालते हैं। दोस्तों कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो रेशियो और वेट में डिफरेंस होता है। बताओ क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? नंबर एक, एक रेशियो अमाउंट का छोटा रूप होता है, और अमाउंट के बेसिस पे जो निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। होप सो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से चीजें समझ में आ गई है। अगला जो क्वेश्चन आता है, अब एक बात बताओ सुनो, एक सेकंड रुको, मैं आपके सामने एक चीज लेके आ रहा हूं, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड, अपन लोग याद है क्या पढ़ रहे थे? अपन लोग ये पढ़ रहे थे, देखो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, अपन लोग जो पढ़ रहे थे ये अपना टारगेट था, ठीक है, ये अपना लॉजिक था। देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि पहले तो चैप्टर की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि हम अलग से कंसिडर कर चुके हैं। इस सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बताओ हम लोगों ने दो टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, कि एक तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना जरूरी है, और सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो बताओ क्या है आपका, है बताओ डेट इक्विटी रेशियो। तो अब इसको कभी भी मत भूलना, अच्छे से समझ लेना। अब एक बात बताओ अगला जो क्या आता है कि सर एक बात बताओ, आप हमें बोलते हो वेट वेट वेट, सर ये जो वेट होता है पहले तो ये समझो वेट किसके बेसिस पे निकालते हो? सर हम वेट को अमाउंट के बेसिस पे निकालते हैं। सर अमाउंट के बेसिस पे निकालते हैं तो मैटर ये करता है कि सर जो आप अमाउंट बोलते हो वो अमाउंट कितने रूप से आ सकती है, वेट कितने रूप का हो सकता है, इसी को हम लोगों को सिंपल अंडरस्टैंडिंग करके समझना है, राइट? चलो जी सर, आओ भाई मेरे साथ आओ, यहां से अपन चीजों को समझना चालू कर देंगे। ओके सर, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ओके ध्यान से लॉजिक समझना। एक बात बताओ, यहां पे अगर हम बात करें तो देखो वेट, वेट का मतलब क्या है,
WEIGHT, वेट। सुनो मेरी बात दोस्तों, आपको पता है आपकी जिंदगी में तीन प्रकार के वेट आएंगे। लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, आज की क्लास का एंडिंग पॉइंट है। वेट तीन प्रकार से आपकी जिंदगी में आते हैं दोस्तों। एक होता है आपका टारगेट वेट, एक होता है आपका मार्केट वैल्यू, और एक होता है आपका बुक वैल्यू। ध्यान से समझना, देर आर थ्री टाइप ऑफ वेट। मतलब हम लोग टारगेट वैल्यू के बेसिस पे भी वेट निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास जो अमाउंट होगी वो टारगेट वैल्यू वाली अमाउंट होगी। आप मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी वेट निकाल सकते हो, आप बुक वैल्यू के बेसिस पे भी वेट निकाल सकते हो। हालांकि पूरा प्रॉपर कब समझ में आएगा, जब इसको हम अप्लाई करना सीख जाएंगे। अप्लाई करना कब सीखेंगे, जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेसिस पे हम इन चीजों को समझेंगे कि टारगेट वेट के बेस टारगेट वैल्यू के बेसिस पे कैसे वेट निकाला जाता है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू के बेसिस पे कैसे निकालते हैं। लेकिन एक बात बताओ, बात आती है कि सर जो आपने हमें वेट बोला, चलो बढ़िया बात है, आपने हमें बोला तीन तरीके से वेट निकाल सकते हैं, टारगेट, मार्केट और बुक वैल्यू। लेकिन बात आती है सर, जब टारगेट के बेसिस पे निकालेंगे तो ये जो रैंक आती है वो बताओ कौन सी रैंक होगी। सर ये हमारी फर्स्ट रैंक होगी, हमेशा प्राथमिकता इसको दी जाती है। फिर हम लोग मार्केट वैल्यू को अच्छा मानते हैं, फिर हम बुक वैल्यू को अच्छा मानते हैं। ध्यान से सुनना, लेकिन बात ये आती है कि सर टारगेट वेट क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको डिसाइड करने वाला, इसको डिटरमाइन करने वाला जो इंसान होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। इसीलिए बाकी लोगों से ज्यादा भरोसा हम टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कर सकते हैं। तो टारगेट वैल्यू को डिसाइड करने वाला इंसान कौन होता है? टारगेट वैल्यू को डिसाइड करने वाला जो इंसान होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। इसीलिए ये मोस्ट ऑप्टिमम माना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, इसको सेकंड और थर्ड रैंक का मतलब पदवी दी जाती है, राइट। लेकिन मैटर करता है कि सर एक बात करो, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसाइड करता है, चलो मान लिया टारगेट वैल्यू है, क्या ये चीज हम लोग किताब में भी पढ़ेंगे? दोस्तों प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसको हम डील नहीं करने वाले हैं। देख प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, लेकिन अगर हम किताब के हिसाब से जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वी विल नॉट डील। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो बोलने को तो मैं ये बोल सकता था कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो प्रकार के आपके वेट होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना तीन प्रकार के वेट आपकी जिंदगी में आते हैं, टारगेट, मार्केट, बुक। लेकिन टारगेट वैल्यू टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता है, लेकिन अभी हम किताब के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम डील नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार की वैल्यू आती है, एक तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट निकालना और एक होता है बुक वैल्यू के बेसिस पे वेट निकालना। लेकिन एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, हमारे सामने जब सवाल आता है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों सुनो, चाहे आप बुक वैल्यू से करो चाहे आप मार्केट वैल्यू से करो, आपके सामने ये मैंने क्या लिखा, विच एवरेज ब्यूटीफुल, विच एवरेज अच्छा, विच एवरेज मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन बात आती है कि सर एक बात बताओ, अगर हमें सवाल स्पेसिफाई कर दे कि हमें तो बुक वैल्यू के बेसिस पे ही करना है, तब मेरी बात मत सुनना, अपने दिल की बात मत सुनना, जो एग्जाम में आपको बोला जाता है आपको उसी तरीके से करना है। तो अगर एग्जाम में बोलते हैं मार्केट वैल्यू पे करो तो मार्केट वैल्यू, एग्जाम में बोलते हैं बुक वैल्यू पे करो तो बुक वैल्यू, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो आपको अच्छा लगे आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। क्या बात है सर। उसके बाद अगर हम बात करें देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, इसको मिटाते हैं अपन। एक सेकंड, ठीक है चलो जी। तो एक बात बताओ, अगर आपको यहां पे मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन देन यूज दैट मेथड ओनली, ओके, बट इफ नो मेथड स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन यूज अमोंग मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो आपको अच्छा लगे।
आप कर सकते हो। अगेन आई रिपीट दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया, अब इसको फटाफट खत्म करके बताओ बताओ दोस्तों। वेट वेट तीन प्रकार के होते हैं, एकदम सल्टा दो रे, आंख बंद करो, बोलो वेट। वेट से तीन प्रकार से निकाले जा सकते हैं, टारगेट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। टारगेट वैल्यू टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो अप्लीकेबल होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है। बाकी कितने वेट बचे? मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट में क्या रेट चल रही है उसके हिसाब से। बुक वैल्यू मतलब किताबों में क्या रेट चल रही है। लेकिन बात आती है कि जब सवाल स्पेसिफाई करता है तो हम वैसे ही करेंगे, और अगर सवाल स्पेसिफाई नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में अपन दोनों में से जो भी हमें अच्छा लगेगा हम उसको डील करेंगे। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आ गई है। अगली क्लास में हम लोग बताओ क्या करने वाले हैं। अगली क्लास में मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले सिंपल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, सेकंड अंडरस्टैंडिंग हमारी कौन सी खत्म हुई है कि वेट कितने प्रकार का होता है, और तीसरी अंडरस्टैंडिंग अगली क्लास से चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर जरूर दोस्तों पूछना। चलो भाई।